हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मिर्ची में। आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन, टमाटर, आलू, मूली की मिक्स सब्जी लेके आई हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, एकदम ये देसी रेसिपी में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। गांव में बैंगन, आलू, मूली, टमाटर की रेसिपी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊँगी आज। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 बिग साइज़ के बैंगन हैं, ये 2 बिग साइज़ के बैंगन हैं। मैंने एक छोटी सी मूली लिया है, हाफ मूली है ये, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और 2 ग्रीन चिली लिए हैं। इसमें मसाले सारे नॉर्मल मसाले पड़ेंगे जो सब्ज़ी में पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं सब्ज़ी को अच्छे से धुल के कट करके फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने बैंगन, मूली, आलू, ग्रीन चिली और टमाटर सबको काट के धो के काट के अच्छे से रख लिया है। अब इसकी सब्ज़ी कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ आगे। फ्रेंड्स, मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, इसमें डाला इसके ऊपर डाला है एक पैन, पैन को गर्म कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मैं सब्ज़ी हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। मैं सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ कि मुझे मस्टर्ड ऑयल खाने में बहुत पसंद है, सब्ज़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है मस्टर्ड ऑयल। गर्म हो गया, तेल डाल के मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊंगी ऐसे, और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले मुझे डालना है मूली, क्योंकि मूली को सबसे ज़्यादा भुनना होता है। तो इसमें मैं डालूंगी जो मूली कट करके रखे, इसमें मैं सारा मूली डाल दूंगी। मूली डाल के इसे फ्राई करूंगी, कुछ देर तक मूली को मैं फ्राई करूंगी। आगे आगे बताती जाऊंगी कैसे कैसे हमें बनाना है सब्ज़ी। फ्रेंड्स, आप सब्ज़ी को बैंगन, आलू, टमाटर, मूली किसी भी तरीके से, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो आप इसे काटिए और बनाइए। बस बनाने का तरीका मैं जैसे बना रही हूँ वैसे वैसे आप बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा मूली हल्का हल्का सब ब्राउन होने लगा है, इसी स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें बैंगन। बैंगन को बस थोड़ा सा फ्राई किया जाता है, ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं बैंगन को। तो जो बैंगन मैंने रखा हुआ है इसमें मैं सारा बैंगन डाल दूंगी, इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे बैंगन को, क्योंकि बैंगन पूरा भर गया इसमें, कुछ देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा तो बहुत ही कम हो जाएगा। इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे बैंगन को, और ऑयल नहीं डालेंगे, इसी ऑयल में इसको फ्राई करना है, कि ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे इसमें, बस थोड़ा सा फ्राई करना है इसे। आप इसे हाथ से पकड़ के कुछ कुछ देर पर चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। कुछ कुछ देर पर इसे चलाते हुए फ्राई करें। आप लोग सब्ज़ी बनाते होंगे तो पता है कि फ्राई करने के बाद, फ्राई करने टाइम थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है सब्ज़ी को, तब इसे कुछ कुछ देर से चलाते हुए फ्राई कर। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मूली और बैंगन का कंडीशन क्या है भुनते हुए। आप इसी कंडीशन में इसको हम हटा लेंगे, इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे बैंगन को, बैंगन और मूली को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, और सेम पैन में मैं इसे सब इसमें सब्जी बनाऊंगी। सब्जी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल। इसे ऐसे हिलाऊंगी फैलाऊंगी, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा को क्रैकल होने देंगे, क्रैकल होने तक का वेट करेंगे। जीरा हमारा क्रैकल हो गया, लेकिन थोड़ा सा और ब्राउन होने देंगे जीरा को, भी वाइट हो। अब देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है। इसमें मैं डालूंगी जो हमने 2 ग्रीन चिली जो कट करके हमने रखेंगे। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया था, क्योंकि बहुत ही पैन बहुत ही गर्म था। इसे मीडियम कर देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करके ग्रीन चिली को थोड़ा सा हल्का सा इसे फ्राई होने देंगे, और इसी स्टेज पे कूटी हुई 1 लहसुन, मीडियम साइज़ की कूटी हुई 1 लहसुन डालूंगी मैं इसमें, ऐसे लहसुन को भी ब्राउन होने दूंगी। फ्रेंड्स, बैंगन की सब्जी में लहसुन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बैंगन की सब्जी बिना लहसुन के मैं नहीं बनाती हूँ, कि बिना लहसुन का इसका टेस्ट नहीं आता है। मैं इसमें लहसुन डालती ही डालती हूँ बैंगन की सब्जी में। अब देखो लहसुन भी ब्राउन ब्राउन सा होने लगा है। इसमें मैं डालूंगी जो हमने आलू कट करके रखे थे, इसमें मैं डालूंगी सारे आलू। आलू को लगभग 2 मिनट तक फ्राई करूंगी, हल्का हल्का ये भी ब्राउन हो जाए आलू, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हो जाए। इसे अच्छे से फ्राई करूंगी मैं चलाते हुए,
गजब की टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स बैंगन की, एकदम ताज़ी मिलेगी आपको सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में आप मिक्स सब्जी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है सब्जी, टेस्टी लगता है सर्दी के मौसम में, आप जैसा मन वैसा बना के खाइए। आप लोग देख सकते हैं आलू भी हमारा भुन चुका है, सारा चीज ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा आपको पैन में। अब मैं इसमें डालूंगी जो नॉर्मल मसाले सारे होते हैं, मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और इसमें मैं डालूंगी एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि सब्जी ज़्यादा है थोड़ा सा, और मैं डालूंगी इसमें एक टेबल स्पून किचन किंग मसाला, और फ्रेंड्स इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। ये सब्जी थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए हमें कितना डालना है। मैं इसमें एक टेबल स्पून डाल रही हूँ, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और एक और मसाला, और मैं इसमें डाल रही हूँ आप देख सकते हैं कितना है, इतना काली मिर्च पाउडर, और मैं और ये सारे मसाले के साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं मसाला बिना पानी के नहीं फ्राई करती, मैं पानी थोड़ा सा डालती हूँ, और आलू और मसाले को साथ में भूनेंगे। फ्रेंड्स मैंने गैस का फ्लेम लो करके मसाले को भूनेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, लो टू मीडियम रख सकते हैं। मसाला हमारा भून रहा है, फिर आपने देखा होगा मैंने नमक नहीं डाला है इसमें, नमक मैं कुछ देर के बाद डालूंगी, अभी नमक नहीं डाला है इसमें, अभी मसाला को कुछ देर फ्राई होने देते हैं। मसाला एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है, ड्राई हो गया एकदम से, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसे फ्राई करूंगी लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। मैंने मसाला को लगभग एक मिनट ही भूना है, अभी आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है साइड से, मसाला के ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल आने लगा है, इसे मैं थोड़ा सा और फ्राई करूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें एकदम अच्छे से तेल छोड़ दिया है, इसका कलर कितना बढ़िया आया हुआ है, जितना अच्छा इसका कलर आता है उतना टेस्टी भी लगता है फ्रेंड्स खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे ट्राई करेंगे तभी पता चला कि सब्ज़ी कैसे बनती है। फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। अब इसमें जो हमने टमाटर दो कट करके रखा हुआ था, मैं ये टमाटर इसमें दोनों टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर भी इसी में सॉफ्ट होगा, मैं इसे ग्रैंड टमाटर को ग्रैंड करके नहीं डाला, इसे ऐसे ही कट करके डालें। और इसमें मैं इसी टाइम टमाटर ज़्यादा टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए मैं इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। आप देख ले कितना सब्जी बना रहे हैं, अगर आप एक बैंगन की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें एक टमाटर डालिएगा, मैं इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं टमाटर डाल के लगभग 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई किया है मसाला को, अब टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो गया है, मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी जो बैंगन और मूली हमने फ्राई करके रखा था, सारा मैं इसमें डाल दूंगी बैंगन और मूली। अब इसे अच्छे से चलाएंगे बैंगन और मूली को मसाला में, मसाला और बैंगन मूली एक साथ मिल जाए, इसको डालने के बाद भी 1 मिनट तक इसे भूनेंगे साथ में मसाला के साथ। मसाला और बैंगन को भूनते हुए लगभग 1 मिनट तक हो गया है, मैं इसमें डालूंगी एक पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, मैं डाल रही हूँ इसमें एक गिलास पानी, पूरा एक गिलास डाल दिया, देख रही इसमें और पड़ेगा तो और डालूँगी क्योंकि सब्जी पकना भी चाहिए अच्छे से, मुझे लग रहा है इसमें और पानी जाएगा, थोड़ा सा और पानी डालूँगी।
हाफ गिलास और डाला है फ्रेंड पानी इसमें, लगभग 1.5 गिलास पानी गया इसमें। अब इसको मैं कर दूंगी पैन को कर दूंगी कवर और इसे पकने दूंगी लगभग 8 से 10 मिनट तक, तो इसे ढक के पकाऊंगी और बीच में चलाते हुए पकाऊंगी। फ्रेंड्स पैन को मैं कवर कर दे रही हूँ, पैन को कवर करके लो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं पकाऊंगी 8 से 10 मिनट। अब मिलते हैं आपसे 8 से 10 मिनट बाद, और बीच में 3 से 4 मिनट पे इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएं। आप लोग देख सकते हैं लगभग 10 से 12 मिनट लगा है सब्जी को होने में, सब्जी बन के रेडी हो गई है। और सब्जी का थिकनेस क्या ये भी आप देख सकते हैं, इसमें ग्रेवी कितना है इतना ही ग्रेवी रखना है। गैस का फ्लेम अभी मैं लो कर रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया काट के रखा है धनिया पत्ता, इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसे मिला दूँगी और गैस का फ्लेम मैं कर दूँगी ऑफ। इसमें गरम मसाला नहीं डालते हैं फ्रेंड्स, मैंने नहीं डाला है गरम मसाला। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर मैं दिखाती हूँ आपको कि सब्जी हमारा कितना पका हुआ है, क्योंकि मूली थोड़ा लेट से पकता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक मूली निकाल के और एक आलू निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ एक कितना पका हुआ है। आप लोग देखिए मैं इसे हाथ से ही दिखा रही हूँ आपको, आप प्लीज़ हाथ से इसको नहीं करिएगा नहीं तो आपके हाथ भी जल सकते हैं, मेरी तो आदत बन चुकी है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। सब्जी हमारा बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।